नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू का एडिटोरियल है, लेखा कबीर तनेजा ने हैं और लिख किस बारे में रहे हैं, ये लिख इस बारे में रहे हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनका आज वो टाइटल है कंटेस्टिंग नेबर्स नेबर्स से उलझते हुए रिवाइज जियो पोलिटिकल प्ले बुक। जिससे कि आपने देखा होगा कि हर जगह पूरी की पूरे जो मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाते हैं, इसको अगर आप सीरियस फॉलो कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो कंटेस्टिंग नेवर्स ठीक है, रिवाइज जियो पोलिटिकल प्ले बुक, फिर से दोहराती हुई जो जियो पोलिटिकल कंसर्न है और गुट चेंज होते हुए, कोई देश जो पहले समर्थन में था आज विरोध में है, जो विरोध में था वो आज समर्थन में, इस टाइप की चीज़ें घटित हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द ईयर 2020 हैज़ बीन वाटरशेड मूवमेंट फॉर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉलोइंग द मोस्ट सीरियस क्लैशेस बिटवीन टू कंट्रीज इन द गलवान रीजन ऑफ लद्दाख सिंस 1962 बार। ठीक है, तो यहाँ पर वाटरशेड मूवमेंट मतलब बहुत ही ख़राब हालात में है 2020 के कारण, एक 2020 एक बहुत बुरा समय है दोनों के रिलेशन के बिटवीन। और दूसरी बात यह है क्यों, क्योंकि 1962 के बाद जो गलवान रीजन में बिटवीन टू कंट्रीज द गलवान जो क्लैशेस है वो सबसे घातक था 1962 के बाद, तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग आर एट लो, तो सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं दोनों के रिलेशन, चाहे चाइना और इंडिया के हो। दीज इवेंट हैव हैड कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द वेरी थ्रू प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और इन दोनों इवेंट ने कर दिया है क्या क्या कर दिया है, इफेक्ट डाल दिया है जो भी कास्केडिंग जो इफेक्ट होते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब उनसे जुड़े हुए जो प्रभाव होते हैं, इन दोनों के जो क्लैश या झगड़ों से जो प्रभाव पड़ने वाला होना था वो प्रभाव पड़ चुका है। ठीक है, वेरी थ्रू प्रोसेस ऑन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीतियों में प्रभाव पड़ चुका है। जैसा कि आप विदेश नीतियों में कैसे प्रभाव पड़ चुका है, तो आपको मालूम होगा कि ईरान का जो प्रोजेक्ट का जो इशू था जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इंडिया जो प्रतिबंधों के कारण जो इंडिया थोड़ा सा डिले कर रहा था उसमें चाइना ने एक बैकडोर एंट्री कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में कर ली है, अब यह स्पष्ट नहीं कह सकते, फिर भी तो चीज़ें चेंज हो रही हैं या उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ईरान में। दीज इवेंट है कास्केडिंग, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर न्यू दिल्ली विथ रिकार्ड टू द नेबरहुड बट ऑल्सो बीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ओन थ्रेट परसेप्शन एज वेल, ना केवल ये नई दिल्ली या भारत के रिगार्डिंग चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है, बीजिंग को लेकर, बल्कि बीजिंग भी अब भारत को एक मौजूदा समय में आने वाले एक खतरे की तरह देखता है भारत को। व्हाट डिक्टेट अलाइनमेंट नाउ, तो जो अलाइनमेंट है वो क्या डिक्टेट या क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं या हम कौन से क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज टूडे अ टर्म, न्यू दिल्लीज पावर कॉरिडोर आर वेल अक्विंटेड विथ, और जो भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है मतलब रणनीतिक रूप से ग्लोबल पावर में और किस हिसाब से इंडिया निर्णय लेगा या नहीं लेगा, उस जो पावर है पावर के कॉरिडोर में या पावर के रिगार्डिंग वर्ल्ड का के साथ इंडिया का क्या महत्व है, या वर्ल्ड में पावर के हिसाब से अगर इंडिया को ठहराया जाए तो कहाँ ठहरता है, उससे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। वेल एक्वेंटेड मतलब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो पुराने विदेश सचिव थे उनके अनुसार, जो विजय गोखले जी थे, द आईडी सन ऑफ द स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इज मच डिफरेंट फ्रॉम द नेहरूरियन एरा थिंकिंग ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर वर्तमान की जो रणनीतिक ऑटोनॉमी है उसका जो रूप रेखा है वो पूरी की पूरी चेंज है, ये गोखले जी बोल रहे हैं। ठीक है, वो नेहरू के समय के एरा की जैसी नहीं है कि उस समय उन्होंने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गुटनिरपेक्ष देशों का जो समूह बना लिया था, ये वैसा नहीं है। आज का जो रणनीतिक ऑटोनॉमी है वो डिफरेंट टाइप की है। स्पीकिंग इन जनवरी 2019 मिस्टर गोखले सेड द अलाइनमेंट इज इशू बेस्ड एंड नॉट आइडियोलॉजिकल बेस्ड। तो आजकल का जो अलाइनमेंट है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर बेस्ड है, ना कि किसी पर्टिकुलर आइडिया पर बेस्ड है। ठीक है, उस समय एक आइडिया पर बेस्ड था लेकिन वर्तमान में वो मुद्दे पर बेस्ड है। फॉर बीजिंग एंड न्यू दिल्ली वन रीजन वेयर बोथ कंटेस्टिंग नेबर्स हैव एम्प्लॉयड सिमिलर वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और चाहे बीजिंग की बात कर लो
चाहे दिल्ली की बात कर लो, एक ही क्षेत्र है जहाँ पर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत कंटेस्टिंग नेबर्स, दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हैं, मतलब एक दूसरे के प्रतियोगी हैं या भिड़े हुए हैं एक दूसरे से, हैव एम्प्लॉयड सिमिलर वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट थिंकिंग इन द वेस्ट एशिया, और सिमिलर वर्जन है नॉन अलाइनमेंट थिंकिंग वेस्ट एशिया के अंदर। वेस्ट एशिया आप समझ रहे हो, यहाँ सऊदी अरब और इन सब की बात हो रही है। तो जैसा चीन और भारत कई मसलों पर एक दूसरे से एंगेज हैं, लेकिन सीमा के मुद्दे को लेकर या एक दूसरे को शत्रु समझने या भविष्य का खतरा समझने को लेकर दोनों आशंकित हैं, वैसा ही वेस्ट एशिया में चल रहा है। एंड द इथोस ऑफ इक्विटेबल एंगेजमेंट विद थ्री पोल ऑफ पावर इन सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इसराइल विदाउट स्टेपिंग इन टू द एंटेंजलमेंट ऑफ द रीजन्स मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड पोलिटिकल फिसर्स। तो तीनों ही के तीनों लड़ रहे हैं मध्य एशिया में, वेस्ट एशिया में सॉरी, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, कौन कौन, ईरान हो, सऊदी अरब हो या इसराइल, और वो ये सोच रहे हैं कि बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के उनका प्रभुत्व बन जाए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हाँ, मतलब चाहे कोई भी ऐसा उनको राजनीतिक दबाव भी ना आए वर्ल्ड लेवल पर और जीत जाए वो। सच वर द कॉमनलिटीज इन थिंकिंग दैट एट वन पॉइंट इन टाइम सजेशन वर मेड टू कंस्ट्रक्ट एंड इम्पोर्टर्स ओपेक इन ऑर्डर टू पुट फॉरवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजर ऑयल इम्पोर्टर्स मोस्टली डेवलपिंग एशियन इकोनॉमीज अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स कार्टेल। और ये कुछ ऐसा था कि एक समय पर इन्होंने क्या किया कि जो भी एशियन इकोनॉमी थी या जो विकासशील देश थे उनके, क्योंकि पेट्रोलियम आपको मालूम है इंडस्ट्रियल एरा के लिए या इंडस्ट्रियल युग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ओपेक का गठन हुआ और उसमें इस बात की कुछ कॉमन पॉइंट मतलब कंस्ट्रक्ट बनाए गए। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ओपेक का गठन हुआ और उसमें क्या किया गया, उनके हितों को मतलब जो विकासशील देश हैं उनके हितों को सामने लाया गया अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स कार्टेल। तो जो भी प्रोड्यूसर्स कार्टेल थे, प्रोड्यूसर्स कार्टेल मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब हो गया या जो भी अरब कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं, उनके अगेंस्ट एक ओपेक की स्थापना हुई। अगेंस्ट द हाउ एवर द ईयर 2020 एंड द टेक्टोनिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इट हैज़ ब्रॉट इट्स बेक फ्रॉम द डिट्यूरेटिंग यूएस चाइना टाई टू द कोविड-19 पेंडेमिक दैट स्टार्टेड इन चाइना फॉलोड बाय द लद्दाख क्राइसिस इन फोर्सिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन द जियोपॉलिटिकल प्लेबुक ऑफ द टू एशियन जाइंट एंड वाई एसोसिएशन ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज वेल। तो यहाँ पर क्या हुआ 2020 में कि जो टेक्टोनिक मतलब एक एकदम से किसी चीज़ का रचना हो, टेक्टोनिक मतलब रचना होना या किसी चीज़ का उदय होना, ठीक है, टेक्टोनिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, इट हैज़ ब्रॉट इट्स बेक, और उस शिफ्ट को जगाने का काम किसने कर दिया, कोविड-19 ने उस चीज़ को क्या कर दी, हवा दे दी। जो भी यूएस और चाइना के जो बीच संबंध थे जो पहले से ही क्षय हो रहे थे या पहले से ही खराब चल रहे थे, कोविड-19 ने उनको और हवा दे दी। उसके साथ फिर क्या हुआ, लद्दाख में की क्राइसिस हुई भारत के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के वो था, नज़दीक था भारत। ड्रास्टिक चेंज इन जियोपॉलिटिकल, जो भी जियोपॉलिटिकल प्लेबुक है उसमें बहुत से चेंज हुए। क्यों, क्योंकि जब एक बड़े बड़े जाइंट या बड़े बड़े देशों पर, विदेश के जो वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े बड़े देशों पर जो अफेक्ट होगा, तो उनसे जुड़े हुए जो मिलिट्री अलायंस उनने जिन लोगों से कर रखे हैं या जो भी है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इन सब के कारण पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल जो प्लेबुक है वो एकदम से वो मतलब चेंज हुई। ठीक है, प्री डेटिंग 2020 इंडियाज आउटरीच टू बेस्ट एरिया शार्पन सिंस 2014 विद द कमिंग ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और अगर 2020 से पहले की बात करें तो इंडिया के जो पहुँच थी वेस्ट एशिया के अंदर वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी जब से मोदी गवर्नमेंट आई थी। एज द पावरफुल एंड ऑयल रिच गल्फ स्टेट लुक्ड फॉर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव अवे फ्रॉम द वेस्ट टू डीपन देयर ओन स्ट्रेटजिक डेप्थ परस्यूटेड बाय मिस्टर मोदी सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग स्टाइल इंडियाज डबल डाउन ऑन इट्स रिलेशन विद लाइक्स ऑफ अबू धाबी एंड रियाद गिविंग ओपन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस टू द लार्जर गल्फ रीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने हैं उन्होंने
कई ऐसी वेस्ट कंट्रीज़ को बुलाया कि आप हमारे यहाँ वो कीजिए, और उनका भी इंटरेस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जो भी ऑयल रिच गल्फ स्टेट थी वो इनकी तरफ देख रही थी, मोदी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की जो सेंट्रल डिसीजन मेकिंग स्टाइल है कि वो खुद ही पूरे के पूरी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, तो उस सब चीज़ों ने भी उनको सबको भरोसा दिलाया। और यहाँ पर उन्हें ये फील हुआ कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर उनके पक्ष में है, सो दैट्स वाई वो इंटरेस्ट हो रही थी। वाइल एंगेजमेंट विथ इसराइल मूव स्टीली फॉरवर्ड, ईरान फ्लैग्ड बिहाइंड, बोक डाउन बाई US सेंक्शन विच इज टर्न सिग्निफिकेंटली स्लो द पीस ऑफ इंडिया ईरान एंगेजमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम साथ ही साथ, जैसे कि अरब कंट्री आपको मालूम होगा इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करती, अभी धीरे धीरे कर रही है अब्राहम अकॉर्ड के कारण, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करती इसराइल के साथ, उनके बहुत ऐसे ही संबंध चलते रहते हैं। तो मतलब साथ ही साथ इंडिया क्या कर रहा था, अरब कंट्री से भी रिलेशन बढ़ा रहा था और इसराइल के साथ भी संबंध बहुत मधुर हैं ही और अभी भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ US के सेंक्शन के अलावा भी ईरान के साथ क्या था, वो था लेकिन मतलब एंगेज था, लेकिन जो US के सेंक्शन लगाए गए उससे क्या हुआ, वो जो पेस था या जो संबंध है उनकी गति धीमी जरूर पड़ गई, ठीक है। एडवांटेज बीजिंग, अब बीजिंग को क्या एडवांटेज मिला। मीनवाइल चाइना ओवर टर्स हैव बीन स्टीटिली मोर एडवेंचरस एज इट रियलाइज्ड टू मेजर शिफ्ट दैट हैव टेकन प्लेस इन वेस्ट एशिया। अब लेकिन जो चाइना की जो ओवरचर्स या पहल या जो शुरुआत है वो अगर देखी जाए तो वो क्या थी, एडवेंचरस थी। एडवेंचरस मतलब कि सेना टाइप में। इट रियलाइज्ड टू मेजर शिफ्ट दैट हैव टेकन प्लेस इन वेस्ट एशिया, और इस बात से रियलाइज्ड मतलब इस वो रियलाइज कर चुका इन कि जो वेस्ट एशिया में है वो मेजर शिफ्ट कैसे हुई। पहली बात तो ये है कि बीजिंग हैज़ ट्राई टू कैपिटलाइज अराउंड द थिंकिंग इन गल्फ दैट अमेरिकन सिक्योरिटी सेफ्टी नेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले तो उस मतलब जो इन्होंने एडवेंचरस किया चाइना ने, तो उसमें एक चीज़ उभर कर सामने आई कि जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी है या अमेरिका का जिसके ऊपर हाथ है वो आपको 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकता, एंड दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन अदर। और दूसरी बात यह है, डराने के साथ ही साथ वो दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं चाइनीज लोग। चाइना बींग सेकेंड ओनली टू द US इन बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टर्म, और चाइना मतलब चाइना से आगे सिर्फ US ही है, चाहे मिलिट्री के टर्म में बात करें या इकोनॉमी की टर्म में बात करें। टुडे इज़ द ओबियस एंगेजमेंट, और टुडे का जो मतलब आज के समय में ये स्पष्ट एंगेजमेंट है। द फैक्ट दैट यूनाइटेड अरब अमीरात ऑब्टेंड चाइनीज विंग लूंग ड्रोन इन 2016। और यहाँ पर फैक्ट या कुछ महत्वपूर्ण जो वो है वो ये है कि 2016 में सऊदी अरब सॉरी UAE ने अमेरिका के ड्रोन ना लेकर चाइना के ड्रोन लिए, ठीक है। कॉपी ऑफ द US इन फेमस आर्म MQ-9 रिपीटेड ड्रोन दैट वाशिंगटन रिफ्यूज टू सेल। तो जिनको वाशिंगटन ने क्या कर दिया था, सेल करने से मना कर दिया था, बिल्कुल उसी की कॉपी है जो कि इन्होंने लिए। ऑफर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गल्फ रिजॉल्व ऑफ अटेनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज फ्रॉम वॉट एवर पॉसिबल। और इस हिसाब से जो गल्फ कंट्रीज थी जो चाह रही थी कि उनको पास मिलिट्री कैपेबिलिटी हो वो उन्होंने अटेंड कर ली। सेकेंड, द गल्फ इकोनॉमिक सच एज सऊदी अरेबिया इवन दो अटेम्पिंग अ हार्ड शिफ्ट अवे फ्रॉम देयर एडिशन टू द पेट्रो डॉलर विथ स्टिल नीड ग्रोइंग मार्केट टू सेल ऑयल टू द कमिंग डिकेड एज दे रिफॉर्म देयर इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है, आपको मालूम होगा कि वो अमेरिका के ज़्यादा करीब है, तो वो ना चाह कर भी वो ये सोचेगा कि भाई उसका प्रोडक्ट जो और पेट्रोलियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और जिससे उसका मार्केट बढ़े। और जैसा कि वो मतलब कंसीडर भी कर रहा है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम में रिफॉर्म ला रहा है उसके रिगार्डिंग, तो हो सकता है द ऑबियस टू मार्केट दे आर चाइना एंड इंडिया। तो जहाँ पर दो मार्केट उसके लिए सबसे प्रमुख है, पहला कौन है, चाइना, और दूसरा क्या है, इंडिया। तो उसकी तरफ भी वो देख सकता है क्योंकि यही दो ऐसे विकासशील और सबसे बड़े देश है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खपत होगी तेल की। सार्क कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट,
अब इसके जस्ट उलट, ठीक है, हाउ एवर बीजिंग्स रीसेंट प्ले एंड रीजन हैव नॉट बीन सबटल, तो जो रीसेंट प्लेस हैं जो भी उन्होंने खेला या जो भी कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म नहीं है, ठीक है। अ रिपोर्ट इन सेप्टेम्बर शोन लाइट ऑन 400 बिलियन 25 ईयर अंडर द स्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड चाइना विथ बीजिंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एबडोनमेंट्स ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील। तो यहाँ पर जो चाइना $400 बिलियन की जो वो कर रहा है अगले आने वाले 25 सालों में ईरान के अंदर, वो सीधा सा वो है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या न्यूक्लियर डील से बाहर कर दिया या खुद को बाहर कर लिया, दोनों में से बात एक ही है, ठीक है। तो उसका क्या एडवांटेज लेना चाह रहा है। स्कॉलर सच एज स्कॉट जे हार हैव पॉइंटेड दैट चाइना इज नो लॉन्गर हैप्पी विथ अ पैसिव रोल इन वेस्ट एशिया एंड थ्रू कॉन्सेप्ट सच एज नेगेटिव पीस एंड पीस थ्रू डेवलपमेंट इन कंसर्ट विथ टूल्स सच एज द वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीजिंग इज नाउ रेडी टू ऑफर एन अल्टरनेटिव मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना अब ज़्यादा खुश नहीं है कि वो उसका पैसिव रोल हो वेस्ट एशिया के अंतर्गत, वो चाहता है कि उसका एक्टिव रोल हो एंड थ्रू कॉन्सेप्ट सच एज नेगेटिव पीस, और इस कॉन्सेप्ट के साथ जो नेगेटिव पीस है मतलब वेस्ट एशिया में जिस शांति का महत्व या जिस शांति के कारण वो फायदा नहीं ले पा रहा था, मतलब वो क्या कहलाती है आपकी नेगेटिव पीस, एंड पीस थ्रू डेवलपमेंट, और दूसरी क्या है शांति विथ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के कारण जो शांति है इन कॉन्सर्ट विथ टूल्स सच एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो वो अपने क्या कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लोगों को जोड़ रहा है। बीजिंग इन नाउ रेडी टू ऑफर एन अल्टरनेटिव मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लुएंस, और इसके साथ ही साथ बीजिंग क्या कर रहा है एक अल्टरनेटिव मॉडल या वैकल्पिक मॉडल प्रदान कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ उसका इन्फ्लुएंस, वो दोनों ही चीज़ों को बढ़ा रहा है। ओवर द पास्ट मंथ चाइनीज फॉरन मिनिस्टर वांग यी ड्यूरिंग एन इन पर्सन मीट विथ ईरानियन फॉरन मिनिस्टर मोहम्मद जावाद जाफरी सजेस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फोरम टू एड्रेस रीजन्स टेंशन एन अल्टरनेटिव टू द वेस्ट लेड इको सिस्टम दैट हैव प्रिवेल्ड फॉर डिकेड। तो यहाँ पर दोनों चाहे चाइना के विदेश मंत्री हों या ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने सजेस्ट किया है कि नए डेवलपमेंट मॉडल को, ठीक है, नए फोरम को जिसमें उस जहाँ भी जिनके बीच संबंध होने वाले हैं वो उस रीजन में क्या टेंशन चल रही है, ठीक है, और एक वेस्ट लेड जो इको सिस्टम है दैट हैव प्रिवेल्ड फॉर डिकेड, उसका जो अल्टरनेटिव बेस्ट प्रिवेल्ड मतलब जो पश्चिमी राष्ट्र हैं जिनका क्या रहा प्रभुत्व रहा, ठीक है, उन पश्चिमी राष्ट्रों का एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। इस चीज़ पर उनके विचार हुए कि अब पश्चिमी जो प्रभुत्व है उसको कम किया जाए। इन रिमेन टू बी सीन हाउ एवर हाउ चाइना बैलेंस इट सेल्फ बिटवीन द पोल्स ऑफ पावर वाइल बैकिंग वन सो एग्रेसिवली। अब ये देखना होगा कि ये पावर कैसे बैलेंस करता है चाइना वाइल बैकिंग वंस सो एग्रेसिवली। तो यहाँ पर जो चाइना है वो ईरान के इस नए फोरम या नए अल्टरनेटिव का बहुत ही मतलब तन्मयता के साथ या एग्रेसिवली क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है या उनके इस सुझाव को मान रहा है। फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव एज इट मेंटेन इट्स ट्रेपेज वायर बैलेंसिंग एक्ट ऑफ डिप्लोमेसी इन वेस्ट एशिया। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो क्या कर रहा है मेंटेन कर रहा है खुद के लिए कि जो डिप्लोमेसी है वेस्ट एशिया में उसमें वो फूंक फूंक कर कदम रखे। द ओवर्ट आउटरीच टू द गल्फ एंड एंशुइंग अनाउंसमेंट ऑफ द मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट ऑन इंडियन सोर्स बाय एंटिटी फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड UAE इज ओनली न्यू दिल्ली रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर जो वेस्ट एशिया में अप्रोक्ष रूप से जो इंडिया अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है और उसका परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि कई अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं जो भी वहाँ की जो एंटिटीज हैं उनके द्वारा मल्टी बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के जो कि सऊदी अरेबिया और UAE से बिलोंग करते हैं इज ओनली न्यू दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड द इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द रीजन। तो इससे यही साबित होता है कि न्यू दिल्ली को रिकॉग्नाइज कर रहा है
एक रियलिटीज के तौर पर या वास्तविकता के तौर पर, ठीक है, डिस्पाइट एंटेंजलमेंट इन द यमन वार एंड जनरल टेंशन बिटवीन द गल्फ स्टेट एंड ईरान, द लाइक्स ऑफ सऊदी अरेबिया, द यूएई एंड सो ऑन हैव मेंटेन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, भले चाहे वह उनके यमन बार हो गया हो, जनरल टेंशन हो गल्फ स्टेट और ईरान के बिटवीन, द लाइक्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूएई एज सो ऑन हैव मेंटेन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेशन। कुछ भी रहा लेकिन वो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेशन है वो उनके स्टेबल है, ठीक है। इसराइल रिसेंट पीस अकॉर्ड विथ यूएई एंड बहरीन एड मच फर्दर वेट टूवर्ड मोर स्टेबल गल्फ रीजन। तो यहाँ पर जो भी अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू बहरीन और यूएई के जो नॉर्मल रिश्ते इसराइल के साथ हुए हैं वो और एक स्टेबल गल्फ रीजन की आधारशिला रखेंगे कि वहाँ युद्ध होने के चांसेस कम हैं। द केवीट विथ स्टैंडिंग द ऑपरेशनलाइजेशंस ऑफ अकॉर्ड इज स्मूथ एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो यहाँ पर चेतावनियाँ यही है कि जो भी जो अकॉर्ड हो रहे हैं उनको ऑपरेशनलाइज्ड किया जाए, स्मूथ और लंबे समय तक चलने वाले हों, ठीक है। यही एक मतलब आप चेतावनी समझ सकते हो। लेकिन अगर ये अकॉर्ड हैं तो आप पीस की वहाँ पर क्या कर सकते हो, आशा कर सकते हो। द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट सुपरसीडिंग आइडियोलॉजी इन फॉरेन पॉलिसी इज फास्ट अनरेवलिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिकली बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट या हितों की जो थ्योरी है वो क्या कर रही है, जो आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी है उसको क्या कर रही है, सुपरसीड कर रही है या ढक रही है जो अनरेवलिंग प्रैक्टिकली, और वो फास्ट जो अनरेवली प्रैक्टिकली है उन दोनों ही पर्सपेक्टिव में इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा कि बात हुई थी कि नेहरू का जो गुटनिरपेक्ष वाला वो एरा था वो एक आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट था, लेकिन अब वर्तमान में मुद्दों के आधार पर अपने हितों के आधार पर लोग क्या कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं। वाइल इन रिसेंट पास्ट द इंडो पैसिफिक विद द डेवलपमेंट ऑफ द क्वाड, अब अगर रिसेंट पास्ट की देखें, हाल ही के दिनों के बात करें, तो जो इंडो पैसिफिक में बात करें, विद द डेवलपमेंट ऑफ द क्वाड, तो क्वाड का डेवलपमेंट हुआ, हैज़ टेकन सेंटर स्टेज, तो वो एक सेंटर स्टेज में आ गया है, ठीक है। अदर जियोग्राफीज सच एज वेस्ट एशिया हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू शो केस बोल्डर एग्जाम्पल ऑफ न्यू दिल्ली एंड वीजिंग मेटाफोजिंग अप्रोच टूवर्ड द इंटरनेशनल एरिना। और यहाँ पर जैसे कि अभी बीजिंग और इंडिया ने कुछ ऐसे निर्णय या चीज़ों को शो किया है, इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन किया, बीजिंग अपना एग्रेशन दिखा ही रहा है लद्दाख में, साउथ चाइना सी में भी दिखा रहा है, प्रशांत महासागर में भी दिखा रहा है, या इंडो पैसिफिक रीजन में भी वो दिखा रहा है, और उसके उसमें अपोज में इंडिया ने क्वाड को और मजबूत, इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान ने क्वाड को मजबूत किया है। तो बोल्डर जो अप्रोच है वो अब वेस्ट एशिया के लोग भी क्या कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। तो यही चीज़ें देखनी होंगी कि आखिरकार क्या कैसा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।